और वोट परसेंटेज तो लखनऊ का ऐसा है कि बहुत कम रहता है, तो इससे ज़रूरत भी है कि वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको बताऊं 1991 में लखनऊ का वोट परसेंटेज जो है 36.57% था, बहुत कम। 1993 में 56.31% इसलिए था कि राम मंदिर आंदोलन का था, तो 56% बढ़ गया, फिर उसका 20 का इजाफा, 20 का इजाफा हो गया, आप समझिए। फिर आप 96 में आइए तो 49%, 49.05, और फिर आप 2002 में आइए तो 42.62%, फिर उसके बाद 2007 में आप आइए तो 36.31%। लखनऊ ऐसा ज़िला जो पढ़ा लिखा माना जाता है, योग्य लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं माना जाता है, कि तो वहाँ 36%, लेकिन आप देखिए 2012 में वही 56.82% हो गया, क्योंकि 2012 में लगा कि लोगों को कि उस सरकार को हटानी है और हमें वोट देना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, मैं 56%, और फिर यही देखे 2017 में 58%, यानी बढ़ा। इसके मतलब अगर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो आम जनता कहीं ना कहीं किसी को हटाने में लगी रहती है, बदलाव चाहती है। 2017 में अगर 56% हुआ, फिर अगर 2012 में 56% हुआ, और 2017 में अगर 58% हुआ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम फर्स्ट डिविजन पास ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में देखा गया ये यही स्थिति रहती है। हाँ, यही रहती है, जो शहरी इलाके रहते हैं। और राहुल जी, ग्रामीण इलाके बढ़त बना लेते हैं। राहुल जी, बदलाव देखिए लखनऊ का, कि 2012 के अंदर चुनाव का जो था वो अलग ही था, सपा ने 9 में से 7 सीट जीती थी, 12 में 9 में से 7। हाँ, 12 में, जबकि कहा जाता था लखनऊ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गढ़ है, लेकिन वहां जो है वो 9 में से 7 सीट जीती, और दो में खाली कलराज मिश्रा एक जीते थे गोमती नगर एरिया से बीजेपी से, और एक नीता बहुगुणा जीती थी कैंट से। तो ये 2017 का, अब 2012 कांग्रेस में थी वो, हाँ कांग्रेस में थी। और आप 2017 में ले लीजिए, 2017 में बीजेपी ने 9 में से 8 सीट जीती थी, एक तरफा बिल्कुल एक तरफा। तो अब ये कहना कि लखनऊ के अंदर सपा जीतेगी कि कांग्रेस मतलब जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि यहाँ बदला है नहीं। एक आपके बात से निकालें कि वोटिंग परसेंटेज जब आखिरी में 7 बजे कितना वोट पड़ा, उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज, अभी हम लोग 60% तक नहीं पहुंचे हैं, कभी भी नहीं पहुंचे। जो आप 1991 से आज तक हम लोग 60% यहाँ नहीं पहुंचे हैं, खाली आप समझिए 1993 में 56% जब राम मंदिर आंदोलन था 1993 में, फिर उसके बाद 2017 में 56, फिर उसके बाद 2012 में, फिर 2017 में 58, और सब जगह 36, 49, 36, 49, 42 ऐसा था। ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, देश के रक्षा मंत्री, यहाँ से सांसद भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 5 विधानसभाएं सीट आती है इनके संसदीय एरिया में, तो आपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, चुनौती बहुत बड़ी है, और इन्हीं यहीं से मध्य से सीट बदली भी गई है। भाई लखनऊ में 9 अगर सीटें हैं तो 7 तो बिल्कुल शहर के अंदर आती हैं, दो ही सीट जो है वो गांव में है, चाहे वो मलिहाबाद ले लीजिए और चाहे जो है वो मोहनलालगंज ले लीजिए, मोहनलालगंज की, और सब शहर में ही है, शहर के बाहर नहीं है। और बदलाव देखिए, मैंने आपको बताया कि 2012 में कैसा बदलाव हुआ, 2017 में कैसा बदलाव हुआ, तो ये कह देना कि साहब ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है, ये जरा मुश्किल है, लेकिन वोट किसको देता है मतदाता, ये जरा से गर्व का प्रश्न है। इनका फेस भी बहुत अहम है यहाँ पर, खासकर लखनऊ में, कि यही प्रदर्शन रहे। हाँ, राजनाथ सिंह तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोकप्रिय लीडर हैं, रक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की है, और आप देखिए कि अभी जो 2 रैलियां यहाँ हुई हैं, अच्छी रैलियां हुई हैं, उसमें अखिलेश की रैली भी जो हुई है उसके अंदर जो उन्होंने जन यात्रा निकाली, बड़ी भीड़ थी उसके अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन लगभग उन्हें तो हर जगह यही रिस्पॉन्स मिला। लेकिन शहर में, जो मैं लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आप ये देखिए कि जो योगी जी ने पूर्वी में किए, नीरज बोरा की तरफ और आशुतोष टंडन की तरफ, वहां भी बहुत भीड़ दिखाई दी। ऐसा नहीं है कि वहां भीड़ की कमी थी, कहने की भीड़ से हम आंकलन करें, अब भीड़ किस तरफ जाती है ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न है। और ये जो चुनाव है आज चौथे चरण का, बहुत ही मजेदार चुनाव है, क्योंकि ये कैसे मजेदार इसलिए कि इसमें आप समझिए कि 4 मंडल है, लेकिन 3 मंडल में खाली एक एक जिला कवर है, और लखनऊ मंडल के 6 जिले लिए गए हैं इसमें। आप देखिए कि बरेली मंडल भी, उसका एक पीलीभीत जिला है इसमें, आप देखिए कि प्रयागराज मंडल भी, उसका एक फतेहपुर जिला है, फतेहपुर एक जिला, इसमें एक चित्रकूट मंडल भी है, उसका एक जिला बांदा है। तो आप समझिए बांदा भी कवर कर लिया, और फतेहपुर भी कवर कर लिया, और पीलीभीत भी कवर कर लिया, और लखनऊ जो है
ये बहुत बड़ा नफासत का शहर है और इसमें ज़रा से समझना, वोटर का समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बदलाव मैंने आपको 2012 का और 2017 का बताया है, लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ ने काम किए हैं, चाहे वो अनाज बांटने वाला काम किया हो, अभी वही बातें कर भी रहे थे जगत प्रकाश नड्डा। हाँ, तो अनाज बांटने वाला तो जाहिर सी बात है, आपने भी अभी एक कुछ देर पहले कहा कि साहब लोगों ने कहा था जो हमें खाना दे रहा है उसका हम ध्यान रखेंगे, नमक का जिक्र किया, नमक का कि जेके हम नमक खाए ही, हाँ वोट तो ही साफ साफ कह दिया, जबकि हमने नहीं पूछा पार्टी, हमने कहा किस मुद्दे पर, तो उन्होंने यही कहा साफ तौर पर, तो रायबरेली उच्चार की बात है। हाँ, तो ये है आम जनता में, लेकिन अब जनता अखिलेश ने जो 5 साल पहले काम किया है उस पर भी लोग निगाह रख रहे हैं कि उस पर कहाँ जाते हैं, तो ये अभी गर्व का प्रश्न है और कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप बताइए 2017 में जो 61 सीट थी पूरी इस चुनाव के अंदर, उसमें बीजेपी 50 सीट पाई थी, एक उनके सहयोगी 50, हाँ एक अपना दल, एक अपना दल सहयोगी, और समाजवादी 4 सीट पाई थी, बीएसपी 2 पाई थी, कांग्रेस 2 पाई थी। आपके दो साथी और हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, हेमंत जी अपनी बात रख रहे थे, मैं आलोक जी के पास भी आऊंगा, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, पहले फेज में जिस बात का जिक्र आपने यहां भारत समाचार की स्टूडियो में कह दिया था, चौथे चरण तक वो क्लियर हो गया, बताइए एक पार्टी के इतने बड़े लीडर ये क्लियर बता रहे हैं कि आमुक व्यक्ति का या समुदाय का वोट किधर जा रहा है, और दूसरी तरफ आज उसे स्वीकारा भी जाता है, कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो लखनऊ का रिकॉर्ड अभी सुन रहा था जो जनाब रजा साहब कह रहे थे, तो लखनऊ थोड़ी सी माफ कीजिएगा सुस्ती और काहिलियत वोटिंग के मामले में होती रही है, तो सबसे पहले तो भारत समाचार के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हों इस चैनल को उनसे निवेदन करूंगा कि आप जाइए वोट दीजिए, मैं अभी सपरिवार वोट दे आया हूँ, वोट दे आया हूँ, लेकिन राहुल सबसे मेरा निशान दिख रहा है क्या वोट का? हाँ बिल्कुल आपका दिख रहा है, और आपने अपील भी की, वो भी हमारे दर्शकों ने सुना। मैंने अपील इसलिए की कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मतदाता हैं वो उम्मीद करते हैं कि उम्मीदवार उनके दरवाजे पे या मोहल्ले में आएगा, और नहीं आएगा तो थोड़ा आलस कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा निवेदन है जो अतीत में हमने देखा है, बड़ा खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कृपया इसको राष्ट्रीय धर्म समझिए, कृपया इसको राष्ट्रीय उत्सव मानिए, इसको राष्ट्रीय अवकाश मत मानिए, और खाली छुट्टी के दिन चाय पकौड़ी करके घर में आलसियों की तरह मत पड़े रहिए, जिम्मेदार नागरिक बन के सामने आइए। और राहुल, मैंने वोट डाला, हालांकि मेरे मोहल्ले बटलर पैलेस में न तो कोई उम्मीदवार आया चुनाव प्रचार के लिए, न किसी ने फोन किया, न कोई मिला, तो इसका इंतजार मत करिए, क्योंकि आपका धर्म है और आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का अख्तियार देता है कि आप देखिए चुनिए जो बेहतर है उनको चुनिए, अच्छी सरकार आए, अच्छे लोगों की सरकार आए। तो अभी आपने जो प्रश्न किया था वही तो प्रश्न फिर आ गया है। मैंने राहुल पहले चरण में आपसे कहा था कि देखिए तीसरे चरण के बाद चौथा चरण आने के पहले ही माहौल करीब करीब वही मुस्लिमों पे चर्चा पर ज्यादा ठहर जाएगा। हेमंत जी, फिर आपको रोक रहा हूं, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, आप यहीं से बात अपनी जारी रख लीजिएगा, उनकी बात जरा सुन लेते हैं। नहीं, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी कब ओवेस, इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर, 9% लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है, लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, यह मैं आम लोगों से अपील करता हूं। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोवेश एक सीट दो सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर प्राप्त होगी जितनी सीटों पर
17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी यह प्राप्त 300+ क्यों 300+। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है। सुशासन और विकास प्रमुख रूप से दो मुद्दे उसके सामने हैं, और प्रदेश की जनता जानती है कि सुशासन और विकास के मोर्चे पर सबसे कामयाब, सबसे अव्वल यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। सभी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकर सवाल पत्रकारों ने किया तो रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत जी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने साफ तौर पर बता भी दिया दर्शकों को, अच्छी सरकार आए इसलिए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं आया लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की। हेमंत जी, दरअसल मैं पहला जो फेस कह रहा था, आप दूसरे मुद्दे पर चले गए। आपने कहा था कि एक ऐसा भी गठबंधन है जो पर्दे के पीछे से है। मैं आलोक जी आ रहा हूं, थोड़े से बस हेमंत जी की बात पूरी हो जाए। आपने कहा था कि एक ऐसा भी गठबंधन है जो पर्दे के पीछे से है, उसका जिक्र मैं कर रहा था। मैं उसी पे आ रहा था और वो बात सामने आ गई। सामने कैसे आई देखिए, कल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी बहुत बढ़िया चुनाव, अच्छा चुनाव लड़ रही है। आज बहन जी ने सवेरे जब वोट डाला माल एवेन्यू में, तो उनकी पहली टिप्पणी यही थी, कहा कि अगर उन्होंने कहा बसपा बढ़िया चुनाव लड़ रही है तो ये उनकी महानता है और हम अखिलेश यादव के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आप देखिए कि अखिलेश यादव भाजपा को कहते हैं कि इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, ये बाहर चले गए, भाजपा चली गई, भाजपा विदा हो गई, हम कितनी सीट पे पहुंच गए, डबल सेंचुरी हमने लगा ली, 22-2 को डबल सेंचुरी लगा ली और भाजपा आउट हो गई। बहन जी कहती हैं कि सपा आउट हो गई। गजब का चुनाव है। तो जो अमित शाह के बयान पे जिस तरह का इंडोर्समेंट है आज सवेरे का, उसको आप समझ लें। दरअसल इसके पीछे बड़ी कहानी है। देखिए एक बात जान लीजिए कि चाहे कोई कितना दावा करे लेकिन इस बार लखनऊ सहित अभी जहां चुनाव हुए हैं और जहां चुनाव हो रहे हैं, मुसलमानों का बहुत बड़ा चंक, जो आप कहें कि मैक्सिमम चंक, जो एक मुश्त वोटिंग जिसको कहते हैं, इंटैक्ट वोटिंग जो कहते हैं, फिलहाल दिख रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो निश्चित रूप से इससे दोनों लोगों को परेशानी है। वरिष्ठ पत्रकार का ये मानना है, हेमंत जी मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार का ये मानना है जो गृह मंत्री ने कहा उसकी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि एक बड़ा वोटर, एक इंटैक्ट वोटर समाजवादी पार्टी के पास गया है, मुस्लिम समुदाय का। आलोक जी, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? चूंकि रुहेलखंड के तराई इलाकों में मतदान हो रहा है, साथ ही साथ बुंदेलखंड में और अवध में हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं इन इलाकों की, उन मुद्दों को किसी भी राजनीतिक दलों ने नहीं लिया है। कोई कह रहा है कि घोर परिवारवादी, कोई जिक्र कर रहा है आतंकवादी, कोई कह रहा है स्टूल मंत्री, तो किसी को धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन इलाकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर नजर किसी की नहीं है। देखिए राहुल जी, समस्याओं का समाधान राजनीतिक दलों ने लगभग मान लिया है कि उनके बस में है नहीं। और जिस ढंग से सरकारें चली हैं 2012 से 17 तक अखिलेश की, और 17 से लेकर के अभी जो चुनाव हो, ये 5 साल तक, ये 10 साल तक लगभग जिस एजेंडे को परस्यू किया गया है उसमें समाधान निकालने की कोशिश की गई है, और दोनों में किसने ज्यादा किया है किसने कम किया यह कहना थोड़ा मुश्किल है। तो एक तराजू पर है ये चुनाव। दूसरी बात, जब इस चरण की बात हम कर रहे हैं जिसमें कि 59 सीटें हैं, और 59 सीटों को मैं ऐसे देख रहा हूं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, यहां परिवारों की प्रतिष्ठा बड़ी दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल। और जैसे अमेठी, रायबरेली सबके लिए जाना जाता है, इसके अलावा पीलीभीत का इलाका जहां वरुण गांधी हमेशा एक नेगेटिव वाइब्स पैदा कर रहे हैं, किसान आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट है, मेनका गांधी का इलाका है वो, बरेली से लगता हुआ इलाका। तो
वो लीडर्स जो पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे वो कहीं ना कहीं कोई निगेटिव वाइब्स पैदा कर रहे हैं। ठीक, जब मैं लखनऊ लौटता हूँ जहाँ लोग कह रहे हैं कि वाकई हेमंत जी का आह्वान और रजा साहब का आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है कि लखनऊ का जो कैरेक्टर है पहले आप मैं फंसने के बजाय लोगों को निकलना चाहिए और ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई जूती लाके देगा तब मैं पहनूंगा और फिर मैं जाऊंगा मतदान करने के लिए, क्यों? अगर ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र के लिए बड़ा मुश्किल है। ये लोकतंत्र उत्सव का समय है और उत्सव में शामिल होइए, नाचिए गाइए और जाके मतदान किया आइए जिसके हक में करना है, और निसंदेह करिए और अपने ऊपर से ये तमगा हटाइए कि आप आलसी प्रवृत्ति के हैं और तहजीब आलस नहीं सिखाता। लेकिन रदर हम आ रहे हैं फिर वापस उस मुद्दे पर जहां मैनपुरी का इलाका है जिसको इस बार मुलायम परिवार ने, अखिलेश परिवार नहीं कहूंगा मैं, मुलायम परिवार ने एकजुट होकर लड़ने की कोशिश की है। जिस ढंग से शिवपाल यादव सामने आए हैं, इन लोगों को पता है कि 2017 में कहां गड़बड़ी हुई थी, परिवार का जो बिखराव था वो एक बहुत बड़ा अभिशाप के तौर पर आया और मतदाताओं ने उसका परिणाम बताया, 51 सीटें बिल्कुल बीजेपी के हक में चली गई इस 59 में से, तो वो बचेगी। यही हाल बाधा का है कि परिवार की प्रतिष्ठा है वहां बहुत बड़ी और उनसे जुड़ा हुआ है। फिर इनफैक्ट जब जातिगत मतदाताओं की बात करते हैं बांगा, इसी इलाके में फुलन देवी का इलाका आता है, महिलाओं का इलाका आता है, जो देखना है कि पारंपरिक तौर पर और फिर लोग की आबादी बहुत बड़ी है जहां अभी कल्याण सिंह उनके बड़े नेता यहां से आउट हैं, नहीं है इस बार, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी परिवारों की प्रतिष्ठा को लेकर के सामने रखकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है कम से कम 59 सीटों का। और जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, संजय सिंह की बात है जो कांग्रेस से टूट करके चले आए हैं बीजेपी के पाले में, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक नया कॉन्फिग्रेशन गढ़ा जा रहा है और ये परिवारों की इज्जत बचानी है। इसी यानी आलोक जी साफ तौर पर मानते हैं कि परिवार की साख इस बार दांव पर है। इस चौथे चरण में राज्यसभा के सांसद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, सुधांशु त्रिवेदी जी ने इंदिरा नगर में, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात जरा सुन लेते हैं। जारी बयानों का दौर भी तेज हो रहा है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पे ठीक नहीं है, हमने तो शतक लगा लिया और उसके बाद अब जो है बीजेपी भी पूरा दावा कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के दावे कर ले, ज्यादा पुराने दिन की बात नहीं है, 10 मार्च को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसके दावे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी मोहर लगाई है। मायावती जी ने कहा है कि जो पूरी तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उन्होंने जॉब क्रिएट नहीं कर पाए और यही वजह है कि माइग्रेट होना पड़ा। देखिए, आज मतदान का दिन है तो मैं इन राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसे भली भांति देखिए, इन्होंने वाकई सवाल भले कुछ भी पूछा गया और अजय साहब, लेकिन इन्होंने कहा कि आज चूंकि मतदान का दिन है और इसलिए जनता समझदार है, वो जानती है उसे क्या करना है। देखिए, हेमंत जी ये साफ तौर पर मान रहे हैं और आलोक जी भी मान रहे हैं कि जो गड़बड़ी हुई 2017 में वो समाजवादी पार्टी समझ रही है और परिवार की साख दांव पर है। हेमंत जी का ये कहना है कि एक बड़ा मुस्लिम वोटर्स, चूंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, ऐसे इस बात का आकलन कर सकते हैं, आप किस तरह देखते हैं? और उन्होंने तो कहा है कि अच्छी सरकार आए इसलिए उन्होंने मतदान किया है। एक्चुअली ये माना जाता है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी से उसका जुड़ाव रहता है, बीएसपी से भी रहता है, लेकिन उतने अंतर से नहीं रहता। बीएसपी से भी जुड़ाव रहता है मुसलमानों का, ऐसा नहीं है कि बीएसपी से नहीं रहता, लेकिन समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का ज्यादा लगाव रहता है। ये है चरण में बात, और जो हेमंत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप देखिए कि जो हमारे लखनऊ मंडल का चुनाव है, लखनऊ मंडल में जो 6 जिले आपके आते हैं, आप देखिए लखनऊ मंडल में 46 MLA होते थे, उसमें 38 सीट जो है बीजेपी जीती थी और 4 सपा जीती थी, कांग्रेस और बीएसपी दो दो जीती थी। अब आप लखीमपुर खीरी का ले लिए चुनाव, लखीमपुर खीरी में आप देखिए कि ये पूरे की पूरी बीजेपी 8 में 8 सीट पा गई थी, लेकिन तुकुनिया कांड, गाड़ी चढ़ा देना, आप इसका जानते हैं इसका असर, लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर, हाँ आप जानते हैं इसका असर होगा। ऐसा नहीं है कि इसका आप समझे कि आम जनता पे असर, जिसके घर में लोग मरे हैं क्या आप समझते हैं बहुत खुशी से बैठा होगा वो? जाहिर सी बात है, दुख है, संवेदना है। तो अब भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी में 8 में 8 सीट अगर लाती है तो समझिए वो उसकी वहाँ जीत है, और अगर सीट कम होती है तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है कि उसको दुख भी होना चाहिए कि साहब यहाँ कौन सा ऐसा फैक्टर था जो छूट गया, वो हम वहाँ नहीं कर पाए। आप हरदोई ले लीजिए,
हरदोई के अंदर जो है, हरदोई जनपद में जो है 8 जो है विधायक थे जिसमें 7 बीजेपी जीते थे, एक खाली थी, नितिन अग्रवाल जो है वो भी भाजपा में आ गए, बाद में भाजपा में आ गए। तो हरदोई भी उनका 100% एक तरीके से विधायक रहते ही समझ लीजिए भाजपा में। हाँ, भाजपा में थे, डिप्टी स्पीकर बीजेपी के सहयोग से बने, वो तो सहयोग से बने, वो सपा में रहे, सपा से हटे नहीं, लेकिन उनका मन बिल्कुल उसमें रहा। नरेश अग्रवाल जी अपना इस्तीफा देकर के वो भाजपा में आए, बहरहाल राज्यसभा के सदस्य नहीं बनाए गए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हरदोई में नरेश अग्रवाल का अपना वर्चस्व है, ये वहाँ वो जमीनी हकीकत। वही तो आलोक जी भी कह रहे थे कि परिवार, कई परिवारों की साथ एक अच्छे लीडर है वहाँ, और वहाँ उन्होंने काम किया है, मतलब नरेश अग्रवाल ने, और आम जनता उनको चाहती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब जीत का गुड़ा भाव क्या होता है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नरेश अग्रवाल की लोकप्रियता अभी वहाँ हरदोई में कम नहीं हुई है। अच्छा, जो लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उससे बढ़कर किसी की लोकप्रियता हो जाती है, भाई जो आप फेस किए कोरोना काल में, या जो आप फेस कर रहे हैं तराई क्षेत्र में बाढ़, देखिए इन 5 सालों में कम से कम 7 बार आई, पिछले साल 2 बार रिपीट कर दी, तो इनके बजाय आपकी लोकप्रियता से कैसे ढक जाते हैं कि भाई ये राहुल जी आप एंकर हैं, आप हमारे साथ अच्छी मदद करेंगे तो मैं आपके साथ ही जुड़ता चला जाऊंगा। होता यही है कि भाई अगर जो आदमी जिसकी मदद करता है, जो वहां गया होगा नरेश अग्रवाल के पास, उन्होंने उसकी मदद की होगी, उसका काम किया होगा, तो जाहिर सी बात है जो जनता नेता सुलभ होता है और आम जनता के बीच में रहता है, आम जनता से मिलता रहता है, उसकी छोटी से छोटी दुख दर्द को निपटाता रहे, बहुत से ऐसे हैं कि वो निर्दलीय जीत के चले आते हैं, तो वो ठीक है कि जो एक पूरे फिगर होती है कि प्रदेश में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है, उस हिसाब से जो है वो आंकलन करके आम जनता वोट देती है, लेकिन एक लोकल फैक्टर भी और परिवार का फैक्टर भी, क्योंकि नितिन अगर नहीं जीते तो बहुत बड़ा वो होगा कि साहब लास्ट में वो जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष भी बनाए गए रहे सपा में ही, और उसके बाद बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो बहरहाल उनका जीतना हारना एक अलग मुद्दा है। हमें लगता है कि क्या है वो पोजीशन वहाँ अच्छी होगी, आम जनता कई चैनल्स पे इसको दिखाया भी जा रहा था। अब सीतापुर में आ जाइए आप, सीतापुर में 9-7 जो है, 9 में 9 है वहाँ, 7 बीजेपी पाई थी, 1 सपा पाई थी, 1 बीएसपी पाई थी, यानी सीतापुर में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था बीजेपी ने, वो पिछली बार तो हर जगह अच्छा किया था। अच्छा अगर किया 312 था। सीटें आपको मिलती है 403 में से, तो बहुत बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अब आपकी बहुत हर चुनाव अलग होता है राजा साहब। देखिए ये बहुत बड़ा चुनौती जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है, इसलिए चुनौती है। अच्छा, उनके लिए आप चुनौती मान रहे हैं? उनके लिए चुनौती इसलिए है कि उन्होंने 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में 3 चीफ मिनिस्टर बने, आप समझिए किसी ने नहीं, कल्याण सिंह बने, गुप्ता जी बने, और उसके बाद जो है राजनाथ सिंह बने, 3 चीफ मिनिस्टर 5 साल में, इन्होंने पूरा 5 साल कार्यकाल किया है, इसलिए इनके लिए चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीट आई थी लगभग उतनी सीट लाना चाहिए। हेमंत जी, साम दाम दंड भेद, कैसे भी जीत चाहिए, अब बताइए ये कोई देश का चुनाव थोड़ी था, ये राज्य का था, लेकिन इसी चौथे चरण में हरदोई और उन्नाव में आतंकवादी के साथी बना दिया एक दल को, ये कैसे देखते हैं, मतलब आतंकवाद का यहां पर जिक्र हो गया? देखिए, आतंकवाद का जिक्र तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और चूंकि इस तरह की घटना हुई है तो उसको जिक्र करेंगे, वो छोड़ें क्यों, और आप ये भूल क्यों जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के इल्जाम लगते रहे। देखिये, यहां बड़ा अलग प्रदेश है, और मेरा निवेदन है राहुल, मेरी बात पूरी हो जाए या कहीं उपसंहार तक थोड़ी पहुंचे, उस वक्त थोड़ा ब्रेक मतलब बदलना ठीक रहता है, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ रह जाता है। सुनिए, इसमें कोई शक नहीं कि 3 दशक बाद एक बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर है। कुछ स्थान है जैसे तीसरे चरण में एक हिस्सा जहां 3 दलों की लड़ाई हुई, और चौथे चरण के बाद से त्रिकोणात्मक लड़ाई कई स्थानों पर दिखेगी, और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ एक अलग भूमिका निभाएगी। बहुजन समाज पार्टी भले खुद बहुत मजबूत न हो पाए, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट्स उसने फील्ड किए हैं उसका फर्क दिखेगा। और अमित शाह का कल का बयान और उस पर मायावती जी का आज का एंडोर्समेंट, उनको उनकी महानता का वर्णन करना, ये सब इस बात का संकेत देता है कि मुस्लिम मतदाताओं का समाजवादी पार्टी और अखिलेश के प्रति दीवानगी बढ़ी है। बसपा अब उनकी वो पसंद नहीं रही है, ओवैसी को उत्तर प्रदेश माने के पास शुरू में बड़ी बहुत जोश और खरोश से लोगों ने स्वागत किया, लेकिन जहां 200 मोटरसाइकिल उनको उनके स्वागत में जाते तो वहां 5 लोग नहीं किस वक्त खड़े हो रहे हैं।
इसका मतलब इंटैक्ट वोटिंग हो रही है और भाजपा बसपा दोनों के लिए मेजर कॉज ऑफ वरी है। तो अब इसके आगे से चीजें आप देखिए क्या होती हैं। देखिए आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में तीसरे चरण में फतेहपुर में प्रधानमंत्री ने श्मशान कब्रिस्तान का जिक्र किया था। इस चुनाव में पहले चरण से ही कैराना पलायन चचा जान बुआ जान अब्बा जान मम्मी जान भाई जान ये चल रहा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के बड़े बड़े दिग्गजों ने बात कही। कोशिश यही थी पोलराइजेशन हो क्योंकि पोलराइजेशन का बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पिछले 7-7.5 सालों में उत्तर प्रदेश में मिला है और इसी वजह से 80% से ज्यादा का जीत का स्ट्राइक रेट उन्होंने एक असेंबली इलेक्शन और दोनों पार्लियामेंट्री इलेक्शन में रखा है। आपकी तो बात उपसंहार तक आ गई चूंकि मेरे पास भी मजबूरी है, मेरे दस्ताने में भी किसी और का हाथ है। हेमंत जी दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं उनकी बात जरा सुन लेते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी अब हर घर में पहुंचे हैं, हर घर में उनकी तस्वीर है और हर घर में दिलों में तस्वीर है और जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो घर घर पहुंचे हैं और निश्चित रूप में ये चुनाव अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव रहा है। पहले चुनाव में सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा ये प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। अब की बिजली हमने दी है 24 घंटे शहर में, 18 घंटे गांव में और 22 घंटे हम तहसीलों में दे रहे हैं। शिक्षा में सुधार हुआ है, हमने नकलविहीन परीक्षा से लेकर रोजगार परक शिक्षा तक और समय से परीक्षा समय से परिणाम समय से प्रवेश ये तमाम पाठ्यक्रमों के परिवर्तन के बाद हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहां 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे 5 सालों में आज 32 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। जहां 2-3 हवाई अड्डे संचालित थे वहां 14 हवाई अड्डे संचालित हैं। एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है। 5 एक्सप्रेसवे और 6-6 मेट्रो का संचालन ये प्रदेश की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। सपा बसपा माकपा भाकपा एमआईएम इनका सबका योग 100 के आंकड़े को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का रिकॉर्ड स्वयं पार करेगी। 10 मार्च को जब परिणाम आने वाला होगा तो मैं कह सकता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रहे हैं वो उस दिन भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे और वो निश्चित रूप में भूतों का क्रंदन 10 मार्च को होगा और बीजेपी की जीत की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस दिन मनाई जाएगी। मैंने कहा ना कि दावा कोई कर सकता है, दावा करने का अधिकार है। एमआईएम भी कह रही मैं सरकार बनाऊंगी। देखिए केवल तस्वीर जो है मोदी जी और योगी जी की हर मतदाता के दिल में है, बाकी किसी तस्वीर का कोई महत्व नहीं। बीजेपी सारी सीटों को भारी बहुमत से जीत रही है, पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। देखिए चुनाव आते हैं जाते हैं लेकिन जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की कटुता है वो भाव नहीं होने चाहिए। आपस में प्रेम सौहार्द एकता और समन्वय के साथ अपने अपने विचार रखने चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में तो मतदाताओं से मैं हमेशा अपील करता हूँ कि अपने मतों का प्रयोग करें और जो विपक्ष है वो संवादहीनता करने के बजाय अपने जो संवाद की शैली है वाणी का संयम है वो न खोए। आप देखते जाओ और कौन किसकी तरफ जाता है। पूरे प्रदेश में अगर पिछली बार वो 85% 80% मिला था तो इस बार वो 99% की तरफ है। समाजवादी बीजेपी गवर्नमेंट बनने का ऐलान करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? बीजेपी फिर तो दोबारा गवर्नमेंट बनी अगले 5 साल। देखिए हमारा मुद्दा विकास था, विकास है और विकास रहेगा। विकास के आधार पर हम काम करेंगे और विकास के आधार पर ही हमारा चुनाव का सारा मुद्दा रहा है। तो इस बार के चुनाव में भूतों का जिक्र बहुत हो रहा है। वही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि विकास के नाम पर जनता बंपर वोटिंग कर रही है। हेमंत जी आप शायद ये कह रहे थे, मुझे आलोक जी के पास भी जाना है, आपने कहा कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई लेकिन इस बार नहीं हो पाई, अपनी बात पूरी कर दीजिए फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा।
देखिए ध्रुवीकरण दो तरीके से होता है, जब बड़े दंगे मुजफ्फरनगर प्रकार के हो जाएं तो अपने आप स्वयमेव होता है, बाकी कराने की कोशिश होती है, लेकिन ध्रुवीकरण की जो अपेक्षा भाजपा को थी वो तीन चरणों में हुई नहीं है। हाँ, अब लोकल ध्रुवीकरण का, जैसे अभी आप देखेंगे खुर्रम नगर में बुरकापोश महिलाओं की पूरी लाइन लगी हुई है, वहां इस बात की खबर है कि ज्यादातर 80% 90% समाजवादी पार्टी को जा रहा है, इसका एक लोकल रिएक्शन होता है, लोकल और गांव में खास तौर से होता है। तो इतना तो जान लीजिएगा कभी तीन चरणों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान अच्छा खासा हुआ है, इस चरण से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बड़ी और बढ़ी हैं, और अगर उसके हिसाब से उसकी रणनीति के हिसाब से चीजें चलेगी तो उस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना चैंपियनशिप जो गत चैंपियन है उसको बचाने में कामयाब होगी, वरना इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव बहुत शानदार उम्मीदों से बढ़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो कह करके अपनी बात वो करता हूं, जो इस चरण का सबसे चर्चित विषय अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का है, जिनके बेटे मोनू मिश्रा का प्रकरण बहुत चर्चा में रहा है, पर बड़ी हैरत की बात है जो खबरें लखीमपुर खीरी से आ रही है, पीलीभीत और लखीमपुर के कुछ हिस्से में हो सकता है उसका प्रभाव हो, लेकिन लखीमपुर जिले में और खास तौर से निघासन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई वातावरण इस प्रकार का नहीं बन पाया जितना जघन्य जितना बड़ा कांड हुआ था और इसकी जितनी पूरे देश में चर्चा हुई थी, और इस वक्त चुनाव के दौरान अभियुक्त मोनू मिश्रा के जमानत पर बाहर आने के बाद जिस तरीके के अटैक हुए थे उसका बहुत असर वहां नहीं दिख रहा, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात इस चरण में अभी तक की जो खबर है वो मुझे अहम थोड़ी लग रही है। हेमंत जी आप तो एकदम खुली खुली बात कर रहे हैं, बहरहाल राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं एक बार फिर से उनको सुनेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में हम उनसे कोशिश करेंगे कि वो अपनी बात रखें। बहरहाल आशुतोष टंडन क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं, वो आशुतोष टंडन की वाइफ उनकी बात सुन लेते हैं। और क्या मैसेज देना चाहती हैं उन लोगों के लिए कि पूछताछ करें, कितना जरूरी है वोट डालना? वोट डालना बहुत जरूरी है, वोट से एक सही प्रत्याशी सामने आते हैं, इसलिए वोट डालना तो सबसे जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। गोपाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कितना स्वस्थ हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ है, तभी इतनी मेहनत कर पाए हैं, इतना सब कहीं दौरा कर सब अपने पूरे क्षेत्र में कन्वेंसिंग करवा पाए हैं, सब संभाल पाए हैं पूरे काम के को। लिए आप कितना आश्वस्त हैं उनकी जीत के लिए? जीत के लिए 101% आश्वस्त है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे बिल्कुल जी। अब लगा ले, चलिए शुरू कर। गोपाल जी आज आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है, क्या कहेंगे? और आप भी लखनऊ से प्रत्याशी हैं, जितने क्या कहेंगे जीत के लिए? चौथे चरण के मतदान की पूरे सभी क्षेत्रों से जो समाचार आ रहे हैं, जनता भारी संख्या में मतदान के लिए निकल रही है और प्रदेश में विकास के लिए सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। सतीश मिश्रा जी कहें कि ब्राह्मण का जो वोट है वो बट रहा है क्योंकि ये सरकार ने 500 से ज्यादा एनकाउंटर किए, काफी ज्यादा लोग देखिए ये सब दल समाज को बांट के राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसा राजनीतिक दल है जिसका ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बीजेपी कितनी सीटें ला रही सर? पिछले तीन चरणों में बीजेपी की लहर थी और चौथे चरण में बीजेपी की सुनामी है। धन्यवाद। नगर विकास मंत्री आप हैं, अनुराग भदौरिया सपा से आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे और अपनी सीट के बारे में? जनता ने पिछली बार लखनऊ पूर्व सीट पे भारतीय जनता पार्टी को 80,000 मतों से जिताया था और इस बार लगभग उससे दुगने मतों से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और लखनऊ की नौ सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। धन्यवाद। चौथे चरण में 59 सीटें, उसमें 50 सीटें आएगी भाजपा की, अभी कितनी आ रही है? 50 से ज्यादा। हमारे साथ बात करने के लिए आज आपने वोट डाली, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपकी तरफ से?
जनता भारी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रही है, ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों से समाचार हैं। और मेरी पुनः सबसे अपील है कि मतदान के लिए जरूर निकलें। सर, चौथे चरण में किस तरह देख रहे हैं? पिछले तीन चरणों में जिस तरह सपा का ही दोहरा शतक लगा चुके हैं, आप चौथे चरण में आप देखिए, मैंने आपको बार बार कहा, तीन चरणों में भाजपा के पक्ष में लहर थी और चौथे चरण में सुनामी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक दल में जातिवाद है और परिवारवाद है, आतंकवाद है जो समर्थन करते हैं, और उनके इस बयान को किस तरह आप देखते हैं? ये सबके सामने है, कौन कौन दल एक परिवार को कितने कितनी लाल बत्ती उनके वहां थी, और आतंकवादियों को छोड़ने का किस सरकार ने काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे माफिया और गुंडे अपने हद में हैं। 1800 करोड़ रुपए से लगभग ज्यादा की संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था, वो खाली कराई जा चुकी है। आप भी अपने सीट से कितना आश्वस्त हैं, कितनी बड़े मार्जिन से जीतने का बात देख रहे हैं? मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी को जनता का इसने जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और रही लखनऊपुर सीट की बात, पिछली बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 80,000 वोटों से जिताया था और इस बार उससे लगभग दुगने वोटों से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है इस चुनाव में? लखनऊ की 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। चौथे चरण में 59 में 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रही बात प्रदेश की, तो 300 से ज्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 10 मार्च को यह परिलक्षित हो जाएगा। तो हेमंत जी ने एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ अपने दिल की बात भी कह दी, जनता समझ भी गई कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि कई जगह पर उन्होंने खुले